सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी, ये बीमारी जो है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो सेरेब्रल पाल्सी पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और मतलब हम लोग ना इस पे चर्चा करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी के जब पेशेंट आते हैं तो इसमें क्या होता है, किस तरह से आयुर्वेद से हम लोग चिकित्सा दें तो पेशेंट को काफ़ी हद तक हम लोग मैनेज करके ठीक रख सकते हैं। जो उनकी डेटोरिएटिंग कंडीशन हो रही है उसे तो हम बचाव करके ही रख सकते हैं। तो जब सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सेरेब्रल, सेरेब्रल का मतलब है ब्रेन, पाल्सी का मतलब है कि मसल्स का जो टोन है या फिर मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, वो कुछ ना कुछ तरह से पैरालाइज्ड हो गया है, एक तरह से विकृत हो गया है, वह अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन, मसल्स का काम नहीं हो पा रहा है या मसल्स में वीकनेस है, तो सेरेब्रल पाल्सी इस तरह से हम लोग देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो रहता है ना, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है या टोडलर है वह ना चल नहीं पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, अपने काम नहीं कर पाता है और उसका पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग ना और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, MRI और CT स्कैन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी के जब पेशेंट आते हैं तो यह एक तरह का जन्मजात विकृति रहता है। और इसमें क्या रहता है कि मसल टोन जो रहता है, अपने मसल्स जो रहते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं तो एनाटॉमी में सारे मसल्स पढ़े हैं, तो मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं और उसमें मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। और कभी कभी ये जन्म लेने के पहले माँ के पेट में भी कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है। आयुर्वेद में जब हम लोग ये देखते हैं कि ऋतु क्षेत्रांब बीजानाम, मतलब गर्भ संस्कार में हम लोग ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज इसकी योजना देखते हैं, तो माता के शरीर में भी जो गर्भाशय है वह अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद में शुक्र और आर्तव यह भी अच्छा होना चाहिए, बीज संस्कार अच्छे से हुआ होना चाहिए। जब ये नहीं होता है तो और मिथ्याहार विहार माता करती है, और फिर गर्भिणी अवस्था में भी मिथ्याहार विहार करती है, दौरिदा अवस्था में अगर जो इच्छा हो रही है उसको दबा दिया जाता है दौरिदा अवस्था में, इसी तरह से गर्भोपघात गर्भ भाव उसका सेवन किया जा रहा है, जो गर्भ को उपघात करते हैं, तो यह सेरेब्रल पाल्सी के कंडीशन आ जाते हैं। उसी तरह से गर्भिणी परिचर्या अगर नहीं की जाती है, जो नियम बताएं किस तरह से बैठना है प्रेगनेंसी में, किस तरह से उठना है, किस तरह से, तो वहां अगर परिचर्या नहीं पालन किया गया तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी ये कंडीशन आ जाती है। और इसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं, आप लोगों ने रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं कौमारभृत्य में, पेडियाट्रिक्स में, तो फिर वह ना विकृत हो जाते हैं, और या तो वो लिम्ब्स जो रहते हैं, हमारे हाथ और पैर रहते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो ज़्यादा जड़ता आ जाती है और उसमें इनवॉलंटरली मूवमेंट्स आ जाते हैं इसमें, और उसकी वजह से बचपन में ही ये दिख जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी का है, डिलेड माइलस्टोन ऐसा कंडीशन आ जाता है, और जो कमर है पैर है वो उसमें बहुत ज़्यादा जकड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्तंभ होता है बहुत ज़्यादा, उसी तरह से वो बच्चा जो है वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, और ठीक से खड़ा होने का कोशिश भी करता है तो वह ठीक से चल नहीं पाता है, उसी तरह से वह चलते टाइम उसकी विकृति आ जाती है, और ये सब पूरा ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वह ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसमें न्यूरॉन्स जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है और ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट है, वहां से ही सिग्नल अच्छे से नहीं आ पाता है। इसमें कभी कभी मिर्गी के झटके भी आते हैं, एपिलेप्सी के एपिसोड्स आते हैं, सीजर्स होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, कभी कभी दिखाई देना कम हो जाता है, कभी कभी सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये जो है ना सेरेब्रल पाल्सी, ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर इस तरह से एलोपैथी में माना गया है, और उसमें एलोपैथी में बोला है कि इसका तो कोई क्योर नहीं है, बस वो लोग स्टेम सेल थेरेपी और फिजियोथेरेपी यही सब कर सकते हैं, बाकी उनके पास स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सब करते हैं, लेकिन उनके पास भी क्योर नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग डेटोरेटिंग कंडीशन से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, और बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। वो किस तरह से ठीक होते हैं वो मैं सारी चिकित्सा आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसल्स जो हैं, जो डिग्लूटेशन स्वेलिंग में जो काम करते हैं उसमें भी विकृति आ जाती है। उसी तरह से आईज जो है वो फोकस नहीं कर पाता है, आई कॉन्टेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल, ऑब्लिक रेक्टस मसल, वो भी इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, सब ये मसल्स का ही बीमारी, एक तरह से पूरा पैरालाइज टाइप हो जाता है। उसी तरह से इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं वो अजीब तरह के आते हैं। उसी तरह से इसमें मसल टोन भी जो है वह मतलब इररेगुलर टाइप मसल टोन रहता है मसल्स में। अगर आप जैसे ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स देखेंगे तो वो भी मसल टोन ठीक से नहीं होता है,
विकृत टाइप का रहता है। इसी तरह से उसमें बैलेंस नहीं हो पाता है, बच्चा चल नहीं पाता, बच्चा लेट नहीं पाता, बच्चा पलथी नहीं मार पाता, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, एक करवट से दूसरे करवट नहीं कर पाता है। इसी तरह से उसको हाथ हाथ वगैरह कांपते रहते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, जर्की मूवमेंट्स आते हैं। उसी तरह से इसमें मसल का जो टोन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा शिथिलता रहती है मसल्स में, मांसपेशियों में शिथिलता बहुत ज़्यादा रहती है। उसी तरह से वह अपना सिर भी नहीं उठा पाते हैं, कभी कभी यहाँ के जो नेक मसल्स है वो वीक होते हैं, तो सिर भी ठीक से नहीं उठा पाता है, तो बच्चे को लिटा के ही रखना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि मसल स्पाज़म बहुत ज़्यादा रहता है। उसी तरह से मसल का कंट्रोल पावर बहुत वीक रहता है, रिफ्लेक्सेस ठीक से नहीं आ पाते हैं, और डिलेड डेवलपमेंट, जो बच्चा चलना चाहिए, क्रॉलिंग करना चाहिए, वह सब ठीक से नहीं हो पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है बच्चा, मतलब ये सब डिफिकल्टी होती है। फिर उसको ना कोई भी चीज़ खिलाने में, फीडिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। फिर वह एक साइड में ही वह ज़्यादातर लेटा रहता है बच्चा, मतलब वो उसमें डिलेड माइलस्टोन ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और कभी कभी बच्चों में ये देखा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्यों होती है, तो फोर्सेप डिलीवरी की वजह से हो सकती है, या फिर मीकोनियम स्टेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब बच्चे ने पॉटी कर दिया माँ के पेट में और वह उसके बॉडी में चला गया, तो विषजन्य संप्राप्ति हो जाती है, तो मीकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड उसकी वजह से हो सकता है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे माता को हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, या फिर माँ का बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, कोई ना कोई और माँ को बीमारी हुई, माँ को ज्वर हुआ, गर्भिणी ज्वर हुआ, और वो ज्वर अंदर ही अंदर जाके बच्चे को तकलीफ दिया, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो इसमें 12 जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल से 1.5 साल की उम्र में वो बच्चा चल ही नहीं पाता है। उसी तरह से 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वह कुछ भी चीज़ बोल भी नहीं पाता है, जो नॉर्मल बच्चों में होता है ग्रोथ वह नहीं हो पाता है। 5 साल का बच्चा होता है तो उसमें और विकृति आती है, वह 20 साल का होता है, 22 साल, 30 साल का होता है, उसमें और भी विकृति आती है, मतलब डिलेड माइलस्टोन ऐसे कंडीशन हो जाती है। तो इसमें हम लोग पहले तो हम देखते हैं कि इसमें डिसेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, कौन से मसल्स में है, कौन से फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे, क्या क्या माइलस्टोन में डेवलपमेंटल ये विकृति आ गई, बहुत स्लो हो गया है, वह देखते हैं। उसी तरह से इसमें और देखें तो इमैच्योर डेवलपिंग ब्रेन ऐसा कंडीशन होता है, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो इमैच्योर रहता है, और जन्म लेने के पहले भी माँ के पेट में भी वो हमें पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। उसी तरह से और ये बहुत सारे सगोत्री विवाह, जो बोला है ना कि अपने ही गोत्र में शादी करने वाले लोगों से, मतलब हमारे आचार्यों ने बोला है ना अतुल्य गोत्रीय विवाह, मतलब दूसरा गोत्र में विवाह होना चाहिए। हमने हमारे जो आचार्य हैं वो आप्त ऋषि हैं, उनको सब मालूम था, तो जो लोग सगोत्री मतलब वो भाई बहन हो जाते हैं और वही जीन्स वही वही रिप्लीकेट होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसे सेरेब्रल पाल्सी के बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं। उसी तरह से यह नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरॉन डिसऑर्डर है, मतलब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं करता है, जैसे कि हम लोगों ने कल परसों देखा था कि जो अलग अलग बीमारियां थी, जैसे कि हम लोगों ने पार्किंसन डिजीज देखा था, हम लोगों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा था, जो अलग अलग बीमारी है मोटर न्यूरॉन डिजीज, वो सब में प्रोग्रेशन होता है, इसमें प्रोग्रेशन नहीं है, जैसे का है वैसे का ही बच्चा वैसा ही कंडीशन में पूरा लाइफ भी गुजार देता है। मतलब इसमें ये रहता है कि पूरा मसल्स तो ठीक रहते हैं पूरा शरीर के, लेकिन ब्रेन से जो कंट्रोल आता है वह नहीं अच्छे से होने की वजह से फिर रिजिडिटी, वात का प्रकोप, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसको ऐसा भी माना जाता है, बहुत सारे आचार्य ऐसे बोलते हैं कि इस मतलब हमारे सर लोगों ने ऐसे बताया कि बहुत सारी व्याधियाँ इसमें कवर होती हैं आयुर्वेद की, केवल एक नाम नहीं दे सकते कि सेरेब्रल पाल्सी मतलब ये, इसमें हमें बहुत सारी बीमारियां देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आयुर्वेद में फक्कर रोग बोला है, जो रिकेट्स रहता है विटामिन डी की वजह से, फक्कर रोग वह हो सकता है, या पांगुल्यता हो सकता है, मुकत्व हो सकता है, जड़त्व हो सकता है, जाड्यत्व, फिर उसी तरह से एकांगवाद, एकांग रोग, पक्षवद, फिर कफावृतवाद के कभी कभी सिम्टम दिखते हैं, कभी कभी इसमें आवरण जन्य संप्राप्ति बहुत ज्यादा दिखती है। इसी तरह से शिरो शिरो मर्माभिघातज, वात बलाधिक्य वात प्रकोप ऐसा दिखाई देता है कि शिरो मर्माभिघात, जब फोर्सेप डिलीवरी हो रहा है या डिलीवरी के टाइम पे कुछ आघात लग गया और उस आघात की वजह से वही का प्रकोप होकर सेरेब्रल पाल्सी ऐसा बीमारी हो गया, तो शिरो मर्माभिघातज वात प्रकोप ऐसा भी सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसमें हम लोग चिकित्सा जब करते हैं तो उसके पहले डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, तो इसमें MRI और CT स्कैन इन सबसे पता चलता है, और बिहेवियरल और रिफ्लेक्सेस में क्या उसका डिलेड माइलस्टोन है, उससे हम लोग को एक अंदाजा आ जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी है, ब्रेन का पूरा ब्रेन मैपिंग होता है, तो उससे हमें सब कुछ समझ आ जाता है। अब इसमें चिकित्सा करते हैं तो कुछ मेद्य दवाइयाँ, कुछ वात शामक द्रव्य,
और जो डेवलपमेंट को एनहांस करे ऐसी दवाइयां देना पड़ता है। तो आयुर्वेद में ब्राह्मी का प्रयोग होता है। मैं बहुत सारी दवाइयां बता रहा हूँ, इसका प्रयोग हम लोगों ने किया है, मैंने अपने प्रैक्टिस में किया है और अपने सर के क्लिनिक में भी देखा है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं और मतलब ठीक होते हैं, आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं, मंडूक पर्णी का प्रयोग करते हैं, शंख पुष्पी का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषमती का प्रयोग करते हैं, कुष्मांड का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा कुष्मांड का रोल रहता है। उसी तरह से यष्टि मधु का प्रयोग करते हैं, फिर अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, शतावरी का प्रयोग करते हैं, गुड़ूची का प्रयोग करते हैं, ये सब रसायन वाले द्रव्य हैं और मेध्य द्रव्य हैं। फिर वचा का प्रयोग करते हैं, हरितकी का प्रयोग करते हैं, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, फिर उसी तरह से कुमार कल्याण रस का प्रयोग करते हैं, फिर उसी तरह से बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज, फिर ये अरविंद दासव का प्रयोग करते हैं, फिर उसी के बाद में और बहुत सारे रस हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। उसी तरह से पंचामृत लौ गुगुल है, फिर स्मृति सागर रस है, फिर उसी तरह से पंचामृत लौ गुगुल तो बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से मज्जा धातु पे हमें अच्छा काम करना है तो गुड़ूची का प्रयोग करते हैं, आमलकी का प्रयोग करते हैं, मुस्ता का प्रयोग करते हैं, अस्थि मज्जा पाचक उसका प्रयोग करते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल का प्रयोग करते हैं, पंचगव्य घृत, महापैशाचिक घृत, महापैशाचिक घृत से अभ्यंग करना है रोज और उसी को खिलाना है, महापैशाचिक घृत का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग इंटरनल मेडिसिन में मैं बहुत सारा बताता हूँ, जिसका अवस्था के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, देश काल दुष्य ये सब देख के हम लोग देते हैं। तो योगराज गुगुल का प्रयोग करते हैं, केशर गुगुल का प्रयोग करते हैं, वात गजांकुश रस का प्रयोग करते हैं, ताप्यादि लौह जो रक्त रक्त का प्रसादन भी करता है, रस का भी प्रसादन करता है और मस्तिष्क तक उसका काम होता है, ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, महापात विध्वंसक रस का प्रयोग करते हैं, विष तिंदुक वटी का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती में और अभ्यंग में महानारायण तेल, और उसी तरह से महामाश तेल का प्रयोग करते हैं, माश सैंधव तेल का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये सब का हम लोग अवस्था के हिसाब से प्रयोग करते हैं। कभी कभी सेरेब्रल पाल्सी में हमें देखने को मिलता है सीपी में कि सेप्टिसीमिया हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसीमिया पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसी तरह से कन्वर्जेंस होते हैं, कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाता है, कामला भी होता है। तो जो बीमारी है उस हिसाब से, अगर कामला की बीमारी है तो हम लोग आरोग्यवर्धनी वटी, कुटकी चूर्ण, रस पाचक, रक्त पाचक, फल त्रिकादि क्वाथ, यकृत प्लीहारी लौह, रोहित का रिष्ट, ये सब शरपुंखा चूर्ण, इन सब का प्रयोग करते हैं। कन्वर्जेंस हो रहे हैं तो हम लोग को फिर नस्य देना पड़ता है, पंचेंद्र वर्धन तेल, शीरबला तेल, या तो ब्रहण नस्य दें या फिर संज्ञा स्थापन गढ़ के द्रव्य दे, तो हम लोग अपस्मार की चिकित्सा करते हैं। सेप्टिसीमिया है तो सूक्ष्म त्रिफला और AKT अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इसमें जौ का जो चूर्ण होता है, जौ का जो आटा होता है भुना हुआ जौ का, और चना दाल, इसको मिक्स करके और इसका उद्वर्तन लगाने से भी बहुत अच्छा, इसमें जो जो बोलते हैं कि उद्वर्तनम मेधा कफ प्रविलायनम, मतलब कफ और मेद को ये पूरी तरह से विलयित कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो जौ का पाउडर और चना इसका प्रयोग करते हैं, उद्वर्धन के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला तेल का प्रयोग अभ्यंग के लिए करते हैं, खाने में चतुर्भुद कल्प है, चतुर्भद्र कल्प इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इसमें बस्ती दिया जाता है, आस्थापन बस्ती, माधु तैलिक बस्ती, बला तेल का बस्ती दिया जाता है। और फिर क्या है कि ब्रिहण, इसमें चिकित्सा ऐसा रहता है कि जहां पर ब्रिहण की जरूरत है तो ब्रिहण करते हैं, या फिर जहां पे रुक्षण की जरूरत है वहां पे रुक्षण करना है तो उद्वर्तन आदि करते हैं, ब्रिहण करना है तो स्निग्ध तेलों का प्रयोग करते हैं। और तेल ऐसे होने चाहिए जो स्निग्ध हो, मृदु हो और पिच्छिल हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें। जब आवरण जन्य बात है तो आवरण की चिकित्सा करें। उसी तरह से उद्वर्तन है तो उद्वर्तन करने से कफादिक्यता कम हो जाती है, आम का पचन होता है, रुक्षत होता है, इसमें कोलकुलत्थादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। फिर अभ्यंग का प्रयोग करते हैं, फिर नाड़ी स्वेद, वाष्प स्वेद का प्रयोग करते हैं, शालिषष्ठिक पिंड स्वेद से सेरेब्रल पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। शालिषष्ठिक पिंड स्वेद आपको मालूम है कि चावल लेते हैं, बला का चूर्ण लेते हैं, शतावरी का चूर्ण लेते हैं और दूध लेते हैं और गेहूं दूध लेते हैं और चावल लेते हैं, इसको पका के खीर जैसा बना के ये सबको पहले हम लोग काढ़ा बनाते हैं, बला चूर्ण और शतावरी चूर्ण का काढ़ा बनाते हैं। और दूसरे तरफ जो 60 दिन में पकने वाला जो चावल है, शाली चावल, षष्ठी चाली चावल, इसको पका के खीर बना लेते हैं, फिर हम सबको एकत्रित करके दूध डाल के और इसको बॉईल करते हैं और खीर टाइप बन जाता है, फिर कपड़े में डाल के पोटली बना के और पूरे बॉडी में रगड़ते हैं, तो यह ब्रिहण काम करता है और वात का भी शमन करता है। तो शाली षष्ठिक पिंड स्वेद से सेरेब्रल पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शीर बला तेल का बस्ती और नस्य अभ्यंग कराते हैं, बला गुड़ुच्चि आदि तेल का बस्ती अभ्यंग नस्य कराते हैं,
कार्पास हस्त्यादि तेल का बस्ती नस्य और अभ्यंग कराते हैं। लाक्षादि तेल शिरो पीचू शिरो बस्ती, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मंजिष्ठादि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर नस्य में पंचेंद्रिय वर्धन तेल का प्रयोग करते हैं। वचा तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल, इसका प्रयोग करते हैं। धन्वंतर तेल का प्रयोग करते हैं। फिर शुंठी का प्रदमन नस्य का प्रयोग करते हैं। काश्यप में बृहन नस्य और शोधन नस्य, मतलब जो शरीर को बृहन करे, इस तरह से बृहन करने वाले द्रव्य हैं, तो जैसे लाक्षादि तेल है, शीर बला तेल है, शुद्ध बला तेल, ये बृहन का कार्य करते हैं। और शोधन नस्य जो है वो शरीर का शुद्धि भी करते हैं, और ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी स्रोतस अवरोध करने वाले जो भाव पदार्थ हैं उनको शुद्धि करते हैं। तो इसमें वचा तेल, सरसों का तेल, फिर उसी तरह से अणु तेल, षड्बिंदु तेल, इनका नस्य देने से भी आवरण जन्य संप्राप्ति जो है, कफ का आवरण के वजह से जो हुआ है, वह सेरेब्रल पाल्सी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रतिमर्श का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी इस तरह से, फिर यापना बस्ती जो है, जो मुस्तादी यापन बस्ती का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और सेरेब्रल पाल्सी जो है ये ऐसा बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन हमें खुद भी विश्वास होना चाहिए। हाँ, इसमें माधुतैलिक बस्ती का प्रयोग करते हैं, वैतरण बस्ती का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से पटोल निम्बादि क्वाथ, इसका बस्ती का प्रयोग करते हैं, मुस्तादी यापन बस्ती का प्रयोग करते हैं, तिक्तक शीर बस्ती का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, बृहद्वाज चिंतामणि, पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं, अष्टवर्ग कषाय का प्रयोग करते हैं, फिर चोपचिनी चूर्ण, पिपली मूल, अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, कल्याणका अवलेह का प्रयोग करते हैं। मैं बहुत सारे दवाएं बता रहा हूँ, इसमें से जो जो अवेलेबल है वो करिए। अश्वगंधा ऋष का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण सारस्वता ऋष का प्रयोग करते हैं, फिर मस्तिष्क रोगाधिकार में त्रिवित लेहम का प्रयोग है, त्रिवित्तादि मोदक का प्रयोग करते हैं, जो विरेचन से दोषों को प्राकृत करता है, साम्यावस्था में लाते हैं, तो त्रिवित लेहम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इसमें ऐसा बोला है कि मतलब सर्पिस तैल वसा मज्ज सेका व्यंजन भस्तया स्निग्धा स्वेदा निर्वातम च स्थानम प्रावरणानि च रसापयसी भोजन स्वादम लवणानि च व्रणम च यत्सर्वं प्रशस्तम वात रोगिणम। एक तरह से वात व्याधि है, तो इसमें सर्पी तेल वसा मज्जा, इसका अभ्यंग कराना है, फिर बस्ती कराना है, फिर स्निग्ध स्वेदन कराना है, निवात स्थान में रखना है, बहुत सारा उसको बच्चे को ढक के रखना है, कवर करके रखना है, मतलब अगर उसको ठंडी ना लगे, बात का प्रकोप ना हो। इसी तरह से मास्टरस का प्रयोग करना है खाने में, बस्ती में इसका मास्टरस का जो मटन सूप रहता है, और अलग अलग प्राणियों का मास्टरस, उसका प्रयोग करना है। खाने में मधुर अम्ल लवण रस का प्रयोग करना है, तो जो कफ बढ़े और वायु का शमन करे, और इस तरह से ग्रहण करने से यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि हम लोगों को कभी रस धातु से काम करना शुरू करना है, तो रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस, इसका प्रयोग करते हैं, और पंचतिक्त शीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। मतलब मैंने ऐसे किया है अलग अलग कंडीशंस में, स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी अपना अपना कुछ अनुभव बताइए जो आप लोगों के अनुभव में आता है, क्योंकि मैंने मैंने महानारायण तेल का अभ्यंग और बस्ती और नस्य का प्रयोग किया, शीर बला तेल का बस्ती नस्य अभ्यंग का प्रयोग किया, सहचरादि तेल का प्रयोग किया, धन्वंतर तेल का किया, महामाश तेल का किया, माश सैंधव तेल का किया, बला तेल, अश्वगंधा तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल का प्रयोग किया, तो उसमें सैंधव शतपुष्प डाल के और उसका बस्ती दिया। फिर उसी तरह से पुराण घृत का नस्य दिया, कभी कभी मैंने शिरो बस्ती दिया ब्राह्मी तेल का, शिरोधारा किया, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। कभी कभी मैंने मेध द्रव्य में ब्राह्मी वटी, फिर मानस मित्र गुटी का, अगर वो बच्चे को कन्वर्जेंस वगैरह आ रहे हैं और बच्चा डिप्रेशन में दिख रहा है, बहुत ज्यादा सुस्त हो गया, तो ब्राह्मी दीपन पाचन करके अग्नि को अच्छा करके, स्वर्ण सारस्वत रिष्ट या कुमार कल्याण रस, ऐसे सब दे के, और बच्चे का पहले अग्नि बढ़ाए और उसके बाद में ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, एकांग वीर रस, वात गजांकुश रस, रसराज रस, ऐसे द्रव्य का प्रयोग किया। कभी कभी सिंहनाद गुगुल, वातारी गुगुल, कौंचा बीज का प्रयोग करना पड़ा, कभी ब्रह्म रसायन, अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन का प्रयोग करना पड़ा, बलारिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, दशमूला रिष्ट, उसी तरह से चतुर्भुज रस से बहुत अच्छा फायदा हुआ। कभी कभी बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको प्राणायाम वगैरह कराना पड़ता है, तो प्राणायाम से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने इस तरह से किया है, अब आप लोग का जो भी अनुभव होगा आप लोग भी बताएगा। सेरेब्रल पाल्सी जो है वो ठीक होने वाला है, लेकिन इसको टाइम लगता है, ये बीमारी बनने में बहुत ऐसे ज़्यादा संप्राप्ति बना चुका होता है, तो दोष दोष समूचना बहुत ज़्यादा हो गई होती है, तो इसको ठीक करने में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये है कि पेशेंट का और डॉक्टर का पेशेंस रहना चाहिए, धैर्य रहा ना तो ये पेशेंट सेरेब्रल पाल्सी के ठीक हो जाते हैं। आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइएगा। अभी मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं,
और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक जो है वो हर बीमारी के बारे में बहुत कुछ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और लगातार अध्ययन कंटिन्यूटी में अध्ययन करते हैं। तो जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं वह जरूर चिकित्सा में पेशेंट को जरूर रिजल्ट दिखाते हैं, भले वो एक दिन में दिखाएं या एक महीने में दिखाएं या एक साल में, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दिखते हैं। तो इसलिए पेशेंट के पास पेशेंट की लाइन लगी रहती है। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर लक्ष्मी मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कल्पना जी बोल रही हैं कि समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करूं। समझने की शक्ति अगर बढ़ाना है, जो बोलते हैं धी धृति स्मृति, धृति जो है उसको अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शीर और घृत का ब्रह्म जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, दूध और घी इसको सेवन कराइए तो बहुत अच्छा धारणा शक्ति बढ़ती है। सुबह के टाइम पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा के और खुद भी खाइए और अगर बच्चे को आपको देना है तो वो दीजिए, तो इससे धारणा शक्ति बढ़ती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई किया रहता है तो वह बहुत अच्छा रहता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप घृत का सेवन कराइए, महापंचगव्य घृत, महापैशाचिक घृत, ये सब मिलता है उन्माद चिकित्सा में, बताए बालानाम अंगवर्धनम ऐसे बोला है, महापैशाचिक घृत, ब्राह्मी घृत, फिर स्मृति सागर रस, पंचामृत लोह गुगुल, ये बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई है, आप इसका प्रयोग करिए, समझने की शक्ति बढ़ जाती है। और वैद्य आरती शर्मा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा ये डाउन सिंड्रोम 13 ईयर्स का है ना, आप चिंता मत करिए, आप ना शीर बला तेल और वचा तेल का नस्य दीजिए सुबह के टाइम पे, डाउन सिंड्रोम में सुबह के टाइम पे वचा तेल, जितना बच्चा ले पाता है जितने ड्रॉप उतना दीजिए सुबह वचा तेल, और शाम को शीर बला तेल इसका अगर, और वो भी 101 आवर्ती वाला शीर बला है उसको डेना, डाउन सिंड्रोम ठीक होता है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे पूरे 100% ठीक होते हैं, लेकिन मेडिसिन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए तभी फायदा होगा। सारस्वत घृत है, सारस्वत चूर्ण है, इसका प्रयोग करने से, अब आप देखिए अपने ग्रंथों में लिखा है सारस्वत घृत सारस्वत चूर्ण, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हनुमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उग्रसेन जी नमस्ते प्रणाम आपको, प्लीज हेल्प मी फॉर माई डॉक्टर, आप ना मुझे, मैं अभी नंबर देता हूँ, कल्पना जी अपने बच्चे का थोड़ा केस मुझे अच्छे से बताइए, बच्चे का फोटो वीडियो भेजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। मैं अभी यहाँ पर जो पढ़ाता हूँ ना ये मैं सामान्य चिकित्सा बताता हूँ, ये कॉमन कॉमन बताता हूँ, मेरे श्रेष्ठ चिकित्सक लोग उसमें से ले लेते हैं जो चीज़ उनको यूजफुल है, और आपका जो स्पेशल केस है उसके लिए मुझे आपको सारा रिपोर्ट्स और बच्चे का सब चीज़ करना पड़ेगा, या आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तो मैंने इतने सारे दवाई बताई, 100 150 दवाई बताई, सब थोड़ी ना देना है, तो इसीलिए आप मुझे स्पेशल मैसेज करिए मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते प्रणाम आपको, और मुझे एक बात कहना है कि मैं अभी इंटरेक्टिव सेशन में सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जो लोग इंटरेक्टिव सेशन में आना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का एक फॉर्म रहता है वो भर दीजिए, और ये सारे सेशंस को आप जो भी लाइव होता है ना इसको आप शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों को पता चले, जो लोग क्या है ना आप लोग एक तरह से मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आयुर्वेद में क्या क्या चिकित्सा है, तो आप शेयर करेंगे अपने वॉल पे अपने ग्रुप में तो अच्छा रहेगा। खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर भारती मैम नमस्ते प्रणाम आपको, भारती मैम बहुत अच्छी डॉक्टर है, प्राउड ऑफ यू भारती मैम, श्री विश्व श्रद्धा चिकित्सालय प्रणाम आपको, प्रणाम रमन गर जी बोल रहे हैं कि किस उम्र तक के बच्चे ठीक हो जाते हैं, असाध्य कब हो जाते हैं। देखिए बच्चे कभी असाध्य नहीं होते हैं, बच्चे ठीक होते हैं, बच्चों का जो रहता है वो कफ का काल रहता है उसमें ग्रोइंग एज रहती है, असाध्य नहीं बोलिए, कृच्छ साध्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे मन से करें ना 3.5 साल 4 साल 5 साल 10 साल कंटिन्यू दवाई दें तो बच्चे पूरा रिकवर हो जाते हैं, और उनको हमें ये सोचना है कि हमें उनकी संप्राप्ति को ठीक करना है, हमारे पास आयुर्वेद है, आयुर्वेद से हम पूरी तरह से सब ठीक कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, बच्चे ठीक होते हैं, मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है, तो असाध्य नहीं होते, असाध्य कब होता है जब कोई व्याधि मतलब मृत्यु सूचक तक होता है, तो ये जो है ना ये नॉन प्रोग्रेसिव है, ये मृत्यु तक ले जाने वाला बीमारी नहीं है कि बच्चा मर जाएगा, असाध्य अवस्था वो शब्द बोलते हैं जब वो बच्चा बच ही नहीं पाता, जैसे सन्निपात अवस्था है, सन्निपात ज्वर हो गया वह असाध्य होगा, फिर मृत्यु होगा, अरिष्ट सूचक फिर मृत्यु होगा, वह असाध्य होता है, या कृच्छ साध्य बोलिए और फिर साध्य अवस्था में ला सकते हैं, ये साध्य है लेकिन टाइम लगता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला जी जय धन्वंतरी देवा, आप लोग ना भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सीपी में स्पीच के लिए क्या दें, तो स्पीच के लिए आपको क्या करना है मालूम है, आप ना कल्याण का विलेय का प्रयोग करिए,
मेध्य द्रव्य जितने भी है, हमारा मेध्य द्रव्य चरक संहिता में आप रसायन अध्याय में देखिए मेध्य रसायन बताए, तो उसमें ऐंद्री है, ब्राह्मी है, यष्टि मधु है, शंख पुष्पी है, ये जो वनस्पति है इनका प्रयोग करिए। नस्य दीजिए आप, जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य है, ज्योतिषमती तेल उसका नस्य दीजिए, बच्चा तेल ये सब का दीजिए। और दूसरा क्या करिए, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और बोल सकता है तो थोड़ा भी बोल रहा है ना, तो राम रक्षा स्तोत्र बोलिए भी और बुलवाइए भी, तो उससे जो बोलते हैं ना राम रामेति रामेति, ये जो जो है ना उससे स्पीच अच्छा होता है। और ये जो हमारा चक्र पे काम करने वाले जो रहते हैं ना, मणिपुर चक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक घेरण संहिता करके एक पुस्तक है और योग वशिष्ठ, उसमें ना हर चक्र पे काम करने वाली हर स्वर और हर मतलब जो चक्र है उसका रिलेशन बताएं, और हर चक्र के लिए कुछ वनस्पतियां बताई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र है, उसमें उसके देवता कौन है, तो गणेश जी हैं, तो वहां के जो स्वर है अगर वो बोलने में तकलीफ हो रही है तो गणेश जी को हम लोग क्या करते हैं, तो दुर्वा, दुर्वा प्रिय है, तो दुर्वा का रस देना है। मतलब मैं इस पर एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा हर चक्र के एक देवता है और वो स्वर और व्यंजन वहां से निकलता है। तो उस तरह से हम लोग करेंगे ना, पेशेंट ठीक होते हैं, स्पीच अच्छा हो जाता है, उसके लिए चिंता मत करिए। अगर आप मुझे अच्छा सा केस बताएंगे तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। स्मिता जी आप इस पे काम करिए, आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे, आपको और पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको और हेल्प करूंगा। अभी ये एक लेक्चर में नहीं होगा, इसके लिए मुझे और वो सब मैं पूरा डिजाइन करके मैं आपको एक लेक्चर लूंगा, चक्र और उस पे चिकित्सा किस तरह से किया जाता है और सच में फायदा होता है। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चित्रा जी बोल रहे हैं नमस्ते सर, बच्चे के कंसंट्रेशन आई कांटेक्ट कम है तो क्या दे सकते हैं। इसमें अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ये मैंने बताया ना कि मेध्य द्रव्य है, मेध्य द्रव्य में आप क्या करिए, ब्राह्मी प्राश, कितना मीठा आता है, इतना टेस्टी आता है, ब्राह्मी प्राश का सेवन कराइए बच्चे को ना। जो ये सारस्वत मंत्र है, मंत्र वो बच्चे के लिए 5-10 मिनट ऐसे सुनाइए, उससे अच्छा फायदा होगा। और आगे आगे जो संतति अच्छा हो, इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं गर्भातकर भाव को अवॉइड करना है, गर्भिणी परिचर्या अच्छा होना चाहिए, सुतिका परिचर्या, रजस्वला परिचर्या, ये सब का हमें करना पड़ता है, बीज संस्कार करना पड़ता है कि आगे आने वाले संतान ना हो। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो यही है, ब्रह्म रसायन, फिर सुबह सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उससे कंसंट्रेशन होता है। और अपने जो ज्ञानेंद्रिय है उसका कंट्रोल किसका, प्राणवायु पे, तो प्राणवायु को ठीक करना है तो आपको नस्य और रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ठीक हो जाते हैं ब्रह्म रसायन और फिर च्यवन प्राशावले, ये सुबह सुबह खिलाए, ये भूखे पेट सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचे नहीं ठीक होते। अगर आप इस पे और कुछ पूछना चाहते हैं ना तो मैं इस पे एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि प्लीज लो, अच्छा ठीक है सॉरी। और अनुप्रीता शिंदे मैम बोले चतुर्भुज रस सीपी में कैसे उपयोग करें, चतुर्भुज रस का मैंने ना ये एक लेक्चर लिया है उस पर आप देखिए, एक एक चुटकी का प्रयोग करते हैं। चतुर्भुज रस जो है ना वो नर्वस सिस्टम पे, नर्व्स पे और ब्रेन उस पे काम करता है, अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स इस पे काम करता है, और अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का मसल्स पे जो मोटर नर्व्स है उस पे काम होता है। तो इसलिए एक एक चुटकी जो है वह अगर दें, अगर बच्चा पहले अग्निमंद है कि नहीं वो देखें, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन करके एक एक चुटकी का प्रयोग करें, या फिर बच्चा कितना है उस हिसाब से हम डोज कम करते हैं, कि जो बोले ना कोल करकंदू, कोल मात्रा, कोल करकंदू मात्रा, तो हो सकता है कि हमें 1/4 रक्ति देना पड़े, बच्चे के अवस्था के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से डोज कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन चतुर्भुज रस से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब सेरेब्रल पाल्सी जैसे कंडीशन में और डाउन सिंड्रोम में, ऑटिज्म में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पंचामृत लौह गुगुल का बहुत अच्छा फायदा होता है, फिर वृहद्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्मृति सागर रस, अभी किसी ने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई और कॉन्टेक्ट, तो स्मृति सागर रस का प्रयोग करिए। मतलब सच में स्मृति सागर रस से कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उसका नाम ही है स्मृति सागर रस, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, आई कांटेक्ट भी अच्छा कर देता है स्मृति सागर रस। उसी तरह से कुष्मांड रसायन, कुष्मांड रसायन जो है पेटे का मिठाई या कुष्मांड रसायन, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 1 साल तक आप कुष्मांड रसायन का प्रयोग करेंगे ना, बच्चे का जो मस्तिष्क का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी वटी, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी आप खिलाइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। अपना आयुर्वेद जो है ना, जो आयुर्वेद जहां तक इसकी पकड़ है बीमारी को ठीक करने का,
ऐसी संप्राप्ति भंग करने, उतना कोई पैथी नहीं दे सकता है जितना आयुर्वेद कर सकता है। लेकिन पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं अपने बच्चे को ठीक, अपने पेशेंट को ठीक। जब हम विश्वास करेंगे फिर विश्वास से देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसे ही चर्चा हम लोग करेंगे। अभी मैंने अपना नंबर दे दिया है, जिस लोगों को स्पेशली कोई पेशेंट से रिलेटेड बात करनी है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। और नहीं तो इंटरेक्टिव सेशन में आने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको सब आईडी पासवर्ड नोट सब दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करिए, फिर मैं आपको दूंगा लिंक। तो अभी का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ, कल 7 बजे कुछ नया टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, सबकी आज्ञा लेता हूँ, प्रणाम सबकी।